वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। कुछ दिनों का विराम लिया, थोड़ा सा व्यक्तिगत कारणों से बिजी था और उसके बाद वापस से लौट आया हूँ आपके बीच में। रिट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, हमने देख लिया है किस तरह का बदलाव है इस बार नियमों में। 30-70 की जगह इस बार 90-10 का प्रावधान है। इसके अलावा भी कुछ जितने भी चेंजेस हैं आपने नोटिफिकेशन में पढ़ लिए होंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है सिलेबस की। सिर्फ इतना कहा गया है कि राजस्थान का कंटेंट हमने एडिशनल जोड़ा है और उसके पीछे मकसद ये है कि जो राज्य के ही कैंडिडेट्स हैं उन्हें फ़ायदा हो, और यही वजह है कि ये एडिशनल पोर्शन जोड़ा गया है। अब एक सवाल जो उभर कर सामने आ रहा है सिलेबस के बारे में कि ये कह दिया गया है कि जो किताबें प्रचलन में हैं उनके आधार पर, तो आपको याद होगा ये चीज़ मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी और उस समय मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया गया था कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो पुराने सिलेबस के आधार पर पढ़ा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ सही साबित हुई। आज मैं आपको पुनः बता दूं कि अभी जो ये सोचा जा रहा है, जैसा बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे मेरे वीडियो पे, कि किस तरह से इन किताबों को पढ़ें, मैं आपको बता दूं कि आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। ये जो मिसकंसेप्शन कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं कि अमुक चैप्टर सिलेबस में नहीं है, अमुक चैप्टर सिलेबस में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की किताबें हैं, वो सारी किताबें आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ राजस्थान से संबंधित है, उसमें आपको ये करना है कि जो इस सत्र से नई किताबें लगी है राजस्थान अध्ययन की, उन्हें आप ज़रूर एक बार पढ़ लें। अगर आप पुरानी किताबों से भी तैयारी करते रहे हैं तो कंटेंट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन 4-5% तथ्यों का हेरफेर हो सकता है पुरानी किताबों में, हो सकता है कुछ तथ्य न दिए गए हों जो नई किताबों में दिए हुए हों, और हो सकता है वो परीक्षा में आ जाएं। तो राजस्थान अध्ययन की जो नई किताबें हैं इन्हें आप एक बार अच्छी तरह से रेफ़र कीजिएगा। फिर अगली चीज आज जो पूछी गई थी, जो आती है, वो है भाषाओं के चयन के मामले में। मैं बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ आपको बताना चाहूँगा कि भाषाओं का चयन एक आपका व्यक्तिगत मामला है, आपको ही इसे सॉर्ट आउट करना है। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि भाषा वन जब आप लेंगे किसी भी लैंग्वेज को तो ग्रामर पोर्शन ज़्यादा है, और भाषा टू जब आप लेंगे तो लिटरेरी पोर्शन ज़्यादा है। तो इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए आप अपनी भाषा का चयन करें। एक सवाल और ये था कि सर मेरे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मामला, कि मेरे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी या ये कॉम्बिनेशन नहीं है, मेरे तो म्यूज़िक है, पंजाबी लैंग्वेज है और इतिहास है, तो ऐसे में क्या करूँ। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं कि इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन अभी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसा हो। अब चूंकि फ़िलहाल ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लिहाजा आप सभी स्वयं को पात्र मान सकते हैं और आप अपना फॉर्म ज़रूर भरेंगे और अच्छी तैयारी कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक और प्रश्न था और उसके उत्तर के लिए मैंने भी थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ने का प्रयास किया, सोचा था कि आपको एक सही और बैलेंस्ड अप्रोच ला कर दे सकूं। सवाल ये था कि चूंकि 30-70 वाला वेटेज बदल चुका है, अब 90-10 वाला वेटेज है, तो ऐसे में हमें रिट में कितने नंबर लाने चाहिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर आपके अब 110 से ज़्यादा नंबर होंगे आपका चयन 101% होगा। आप 110 नंबर पर अपना फोकस कीजिए, 150 में से आपका चयन 101% होगा, और न सिर्फ होगा बल्कि अच्छी मेरिट के साथ होगा। एक ने पूछा था कि सर होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहना हो। देखिए, इसका कोई ऐसा निश्चित क्राइटेरिया नहीं, मेरिट में आप जितने ऊपर होंगे उतना ही आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है और आपको होम डिस्ट्रिक्ट में रुकने की संभावना ज़्यादा बनती है। लेकिन चूँकि फ़िलहाल आपको जॉब चाहिए तो राजस्थान के किसी भी हिस्से में आपको भेजा जाए, साल दो साल तो आपको स्ट्रगल करना होगा, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपका चयन आप सुनिश्चित करें। अब सिलेबस नोटिफिकेशन आने के बाद से एक और नई चीज़ ट्रेंड में आ चुकी है, और वो ये है कि अब जो सिलेबस में परिवर्तन है उसके आधार पर नई किताबें मार्केट में आ रही है। देखिए, कुछ भी नया नहीं है, वही NCERT की किताबें हैं जो इस सत्र से लगी है, उन्हीं के आधार पर कंटेंट मार्केट में आ रहा है। सिर्फ उसका कवर पेज बदल देते हैं, बाकी इंटरनल कंटेंट सेम ही होता है। आपको चिंता करने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आपको ये बताना है कि अगर आप 110 नंबर पर फोकस कर रहे हैं तो अब आपको ये सोचना होगा कि जनवरी और फरवरी ये आप सामाजिक अध्ययन को दें और साथ ही साथ एजुकेशन साइकोलॉजी को दें।
इन दोनों को जनवरी फरवरी तक इस तरह लेकर चलें कि आपके कम से कम फरवरी लास्ट तक 4 बार आप उसको पढ़ लें, यानी 4 रिवीजन हो जाए। पढ़ने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को पढ़ते रहें। तो जनवरी में अगर आप 2 बार उस कंटेंट को पूरा कर लें सामाजिक के, और फरवरी में 2 बार, तो फरवरी लास्ट तक आपके 4 रिवीजन हो जाते हैं। मार्च से आप लैंग्वेज पर फोकस करेंगे, और मार्च महीने में आपको सोशल साइंस का सिर्फ 1 रिवीजन करना है, एजुकेशन साइकोलॉजी का भी 1 ही करना है, सेम चीज़ आपको अप्रैल में भी करनी है। ये स्ट्रेटजी आपके सोशल साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी और लैंग्वेजेस को बिल्कुल एक तरीके से इन ट्यून रखेगी, ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहेगी और आपको समय की कमी का अनुभव नहीं होगा। और भाषाओं का जहाँ तक मामला है, कोई भी ऐसी किताब आप ले सकते हैं जो स्तरीय है। आपको याद होगा कि पहले एक ग्रामर की किताब चलती थी राजस्थान के अंदर हिंदी व्याकरण के नाम से, वो किताब सफिशियंट है और बहुत अच्छी किताब है। अगर आप वो नहीं ला पाते हैं तो फिर आप कोई भी दूसरी मानक पुस्तक ले लें, या कोई गाइड बुक ही ले लें जो हिंदी के सिलेबस को कवर करती हो, या आप देख लीजिएगा कि सिलेबस लैंग्वेज 1 के अकॉर्डिंग है या लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि आपके जो 4 बेसिक सवाल थे उनके आपको आंसर मिल गए होंगे, और कल से वीडियोस रेगुलर रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो का इंतज़ार करते हैं। अब मेरी कोशिश रहेगी अगले वीडियोस में आपको ये समझाने की कि किस तरह से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कम समय में हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।